मम्मी लोग बहुत दिन से बोल रहे थे एल्बम देखना, मम्मी लोग पैसा खर्चा की थी एल्बम बनाने में, तिलकवा में तिलक तब नाप तोल के तिलक दियो थर्मामीटर से। पागल हो गए क्या? क्या बोलेगा सब? सुनो ना, कुछ बोलेगा ना तो हम यही बोलेंगे, जिंदगी हुआ बेहाल जब मिला ससुराल कंगाल। कि हवा में ना अगर दो चार को रुपया झटक देता तिलक में तो दुनिया का किसी भी कोना में टांग ऐसे पसार के बैठ के खाते हो तुम भी खाती। यहाँ ना गांड खिया खिया के हमको खाना खिलाना पड़ रहा है तुमको। कितना घर किसके नाम पे है? हाँ क्या क्या जो चीज तुम सोच रहे हो ना, हाँ मेरे नाम पे, क्या करोगे तुम? तुम्हारे नाम पे है तो बोलने में लाज लगा था 6 साल से, हथियाने का टाइम निकल जाएगा। तुम्हारे जैसा आदमी ना सही में अनोखा ही होगा जो कि ना एल्बम देखने का भी पैसा चार्ज कर रहा है। हाँ, 15 लाख रुपया नगद मिला है तोरा पहन के। कार्बन ब्लैक स्कॉर्पियो, कार्बन ब्लैक लड़कियों है। अरे लड़किया या कार्बन ब्लैक रहे चलेगा, 15 लाख रुपया स्कॉर्पियो गोरे होके क्या उखाड़ लिए हम? कटोरा लेके तो भीख मांगना पड़ रहा है, देखो मेरा शादी में क्या हाल हुआ। फ्लैट दिया है कलकत्ता में, यहाँ तो कोना में बैठने का आफत आ जाता है यार ससुराल में, उसको तो फ्लैट व्लैट सब दे। एल्बम नहीं लाए, इतना बात हो आपको समय बोले कि सबसे बड़ा तिलक तो हम दे रहे बेटी को, अब इसको पता नहीं क्या देना। तो आपको तिलक देते तभी लाते एल्बम। तिलकवा तो लेने के लिए मम्मी हम अभी भी तैयार है, अकाउंट मेरा नंबर बोलिए हम लेके चल जाते हैं। हमको नहीं बोलना, तुम बताती नहीं हो कि तिलक के बारे में चर्चा होता है। क्या बोले, बोलते हैं पापा को बोलेंगे। क्यों बोलोगे पापा को, पागल हो गए? बोलेंगे नहीं, अब तुमको दिन रात टॉर्चर करते रहेंगे वहाँ तिलक के लिए। जो है ना एक दो कट्ठा जमीन वहाँ का घर पर का, इससे लड़िए मत, इसको तकलीफ मत दीजिए। अगर पैसे पर खुश रखिएगा पैसा मिल जाएगा, ठीक है? दहेज बात कर लिए पापा से। गाइस बहुत दिन से आप लोगों का कमेंट आ रहा था भैया कि आप ससुराल में प्रैंक करो तगड़ा वाला, जैसे कि दहेज प्रैंक का कमेंट भर गया था मेरा, पूरे कमेंट बॉक्स में रहता था हर वीडियो के नीचे कि दहेज प्रैंक दहेज प्रैंक। तो आज करने वाले दहेज प्रैंक का। शादी का एल्बम कोई नहीं देखा था क्योंकि कभी समय ही नहीं मिला दिखाने का, तो सोनल अपने घर पे बोली है आना तो एल्बम लेके आना, मम्मी और मेरी जो साली उसे मांग रही देखने के लिए। तो ये देखो बड़ा सा एल्बम है 3 kg 4 kg का, और ये एल्बम दिखाने से पहले इतना नाटक करेंगे, इतना बोलेंगे सबको कि अरे यार फ्री में एल्बम तुम लोग देख रहे हो, सब में मेरा पैसा लगा है, बहुत कुछ बोलेंगे। वीडियो में देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो सोनल के घर पहुंच के आपसे थोड़ा सा मिलेंगे, देखेंगे माहौल कैसा है, कैमरा वैमरा सेट करेंगे, फिर वीडियो को आगे करेंगे। चलिए। हे गाइस, अभी हम सोनल के यहाँ आ चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और देखो मैं जस्ट अभी हेलमेट खोला हूँ अपना, और यहाँ देखो शादी का एल्बम है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको छुपा देते हैं शादी के एल्बम को ताकि दिखे नहीं। और अभी देखो घर में कोई नहीं है, पूरा खाली है, देख रहे हो? मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, किसी भी उधर से उस रूम में सब है, उस रूम में और उधर है सब। फटाक से कैमरा सेट करते हैं ताकि सोनल लोग को कुछ पता नहीं चले, और उसके बाद प्रैंक करेंगे। प्रैंक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। चलो। सोनल, सोनो कहाँ चल के बुला लेती है, बुला लेती हो, बैठे रहती हो क्या? 2 मिनट अगर बैठ गए तो क्या हो गया? 2 मिनट बैठ गए तो क्या हो गया, यहाँ तो आके बैठते हैं। तुम ले आए हो क्या चीज? एल्बम। हाँ लाए हैं, तब दृष्टि बाद में पहले क्या क्या मतलब इसका, इसका क्या मतलब है? जैसे नया दुल्हन को मुंह दिखाई का पैसा मिलता है ना, तो एल्बम्मा को भी दिखाने का पैसा लेंगे, चुमावन लेंगे, चुमावन 501-500 रुपये से कम नहीं लेंगे। जय आदमी देखेगा घर में, साली देखे, साला देखे, सास देखे, कोई देखे 501 रुपया। तुम बोली होता हम लाए हैं, लेकिन पैसा का बात, पैसा पहले, सब मजाक नहीं चलेगा। पागल हो गए हो, मजाक ये मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक तुमको क्या पता, मेरा पूरा जिंदगी है मजाक लगता है क्या जी? आए बोलते मजाक काहे कर रहे हो, तुमको नमूना उमूना लगते हैं, साथे रह रही हो मजाक बना लो, मजाक तो तुम बना दियो मेरा। कभी साला ई ला दो, यहाँ पहुँचा दो, मियाँ का दौड़ मस्जिद बना दियो साला ससुरलवा को मेरा। दिन भर दौड़ते रहते हैं हम, कभी आज फोन करके यहाँ रह जाती हो, सप्ताह में 2-3 दिन रुक रुक जाती हो, ऑर्डर मारते रहती हो कि एल्बम और शादी का लेना, सबको एल्बम देखना है। मम्मी लोग बहुत दिन से बोल रहे थे एल्बम, एल्बम। मम्मी लोग पैसा खर्चा की थी एल्बम बनाने में, तिलकवा में तिलक तब नाप तोल के तिलक दियो थर्मामीटर से। पागल हो गए सुनाने के लिए, भाई और माई को बोल रहे हैं, और नहीं सुन रहा ना, छत में बैठ के माई के पास सुनाएंगे। हाँ, ताकि लाज लगे तो दे झटके कागो अकाउंट में 2 लाख रुपया। प्लीज
थोड़ा स्लो बोलो समझ में आया ना, और अपना नौटंकी अपने पास रखो। दो एल्बम भागी, एल्बम अभी यहाँ पे रहेगा। 501 500 ऐसे एल्बम है, एल्बम को ऐसे चुमा के पागल हो गए कि तुम्हारी ये अकेले शादी का नहीं है, हम भी हैं उस शादी में। इतना इतना पैसा कहाँ रखेंगे तुम्हारे बाबूजी, हैं? खेती बाड़ी अब बड़का अफसर से रिटायर किया हो, साला 500 रुपए क्या है यार, खुशी से आदमी दमाद आता है ऐसे लुटा देता है। एल्बम देखने का पैसा कहाँ से लगने लगा? एल्बम देखने, यहाँ फिल्म देखने का पैसा लगता है। सुहान का शादी का एल्बम है, देखने के लिए अच्छा अच्छा का आखला लाइट है, आखला लाइट है। अपने आप में स्टार है, मतलब हर जगह से तुमको फायदा चाहिए, गजब आदमी हो तुम यार। तुम इतनी बड़ी दिलदार हो ना कि दुनिया की लड़की ना शादी में मांग मांग के लेती है, ई दे दे माए, ऊ दे दे माए, ये सब त्याग दी। काहे लग रहा है इसको ना शाहजहां मिला हुआ है तो इसलिए त्याग दी। हमको पता है मम्मी लोग छत वत पे गई है, अंदर है छत पे जो नहीं थोड़ा सुनो ना, तब मम्मी को क्या नहीं बोलेंगे, मम्मी को भी सुना देंगे हम। पागल हुए हो क्या? मजाक ना, मजाक अपने तक रखो। कोची कोची हुआ तुमको, कच्ची हल्ला कर रहे हैं। तुम हल्ला नहीं करो यार, क्या बोलेगा सब? सुनो ना, कुछ बोलेगा ना तो हम यही बोलेंगे, जिंदगी हुआ बेहाल जब मिला ससुराल कंगाल। कंगाल ससुराल नहीं मिला है, 1 रुपया मिला है। बिहवा में ना अगर 2-4 करोड़ रुपया झटक देता तिलक में तो दुनिया का किसी भी कोना में टांग ऐसे पसार के बैठ के खाते भी खाती। यहाँ ना गाँव खिया खिया के हमको खाना खिलाना पड़ रहा है, तुमको कितना दिक्कत होता है नौकरी चाकरी करने में। हमको कभी पूछते हो थक मार के दिन भर कमाते हो महीना में 20,000 रुपया, दुखा जाता है कुर्सी पर बैठे बैठे चुतड़वा मेरा। क्या बोला तूने? अब बोलती है कि क्या दिक्कत है, वो लड़की मांगती है, अरे इतना खेती बाड़ी है यार, ये सब नौटंकी करेंगे ना, ये सब चिलावा चिलाबी करेंगे ना, तब आराम से निकाल देगा 1 साल में 1 करोड़ रुपया। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया कहाँ से मेरे मम्मी पापा लोग लाएंगे? खेतवा खेतवा कहाँ जाएगा? खेत तुम्हारे लिए ही है। तो किसके लिए है? तुम्हारे मम्मी पापा का जो होगा वो खेत ना तुम्हारा होगा, वो खेत ना तुम्हारा होगा। बैगन एक बात बताओ, एक चीज हमको डाउट, हमको पता चला है तुम्हारे परिवार में किसी से क्या कि घरवा किसके नाम पे है? क्या क्या घरवा किसके नाम पे? पागल हो गए हो क्या? खड़ा हो गई बाएं में। पागल ठीक है, मजाक मजाक तक रखो ठीक है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तुम पत्नी हो के छुपा रही हो, आए नागनियन बगल में कुंडली मार के बैठा लो मेरे जिंदगी में, आए पता चला है जो हम सोच रहे हो सही है। क्या सोच रहे हो? क्या क्या सोच रहे हो? घर किसके नाम पे है? हाँ क्या क्या जो चीज तुम सोच रहे हो ना, हाँ मेरे नाम पे। क्या करोगे तुम, क्या करोगे? तुम्हारे नाम पे है तो बोलने में लाज लगा था 6 साल से, हथियाने का टाइम निकल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खराब हो गया है क्या? तुमको गढ़ल घास खाने का आदत हो गया है ना, वही बात है, समझ में आया? ये पता चल गया है, और शेर के मुंह में जब खून का निवाला लग जाता है ना तो शिकार करके छोड़ता है, ये पता चल गया। आप मम्मी से भी कंफर्म होंगे, अगर बोल दी ना है कागज पत्तर निकलवाएंगे। पागल हो यार, ये सब बात है ना, आदमी धीरे करता है, अपने घर पे करना ना जाते। ये सब बात यहाँ पे तुमको ससुराल में मिला है, ये सब बात, ये सब बात सुन के हमको कोई गाड़ी नहीं गारा भी देगा ना तो सह लेंगे, पैकेटवा में पैसा जब रहता था अच्छा लगता है, 4 गालियों सुन लेंगे। हद हो यार हद हो, वही ना तुम्हारे जैसा आदमी ना सही ना अनोखा ही होगा जो कि ना एल्बम देखने का भी पैसा चार्ज कर रहा है। हाँ तो पैकेटिया में पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है, एल्बम का चार्ज कर रहा है उसका नहीं होता तो एग्जीबिशन लगा दो। हमारे द्वार छिकैया में सब हमसे लूट लिया था पैसा, पैजामा उजामा खींच के निकाल लिया था सब पैसा, साली सब तुम्हारी दुनिया भर की साली, दुनिया भर की बहन है, ऐसे खोजेंगे होली खेलने के लिए तो एक नजर नहीं आएगी कोई, ऐसे पैसा खाली निकाल दो 2-4 हजार रुपया तो देखो सब लोहियाल रहेगी आगे पीछे, खाली छोड़ी बटाता है। बहस करना है, बहस करना है, पढ़ना मैम खुश रहिए, एकदम खुश रहिए, बैठो बैठो। क्या जी मम्मी? एल्बम। हाँ ये बोल रही थी कि शादी वाला, तुम्हारा शादी वाला? शादी वाला ही एल्बम है। नहीं देखे थे बहुत दिन हो गए, ले लो मम्मी देखिए ना, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है ये एल्बम मेरा। मम्मी देखो शादी का एल्बम देखे खुश हो रही है, उस समय हमको रोना पड़ा था जब पैसा मेरा लगा था, पैसा लग गया था मम्मी से 20,000 रुपए एल्बम बनाए में। आप लोग का तो लगता है, अरे आप लोग सबका दूध बांट लीजिए ना, आप लोग का पैसा थोड़े लगा लगा है, ससुराल वाला मेरा पैसा लगा है। चाय बना रहे हैं, चाय अच्छा लगा है मम्मी इसमें। पैसा तो लगेगा ही ना। हाँ पैसा ना, पापा का भी, पापा का भी खाली हो गया शादी में खाता, मेरा भी खाता खाली हो गया।
लो चाय। इज्जत क्या चाय और ये वो बिस्कुट मेरी कोई एक ही आए हेलो एक ही बिस्कुट अब नहीं है अब नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि जब एल्बम मंगवा रही हो आ रहा है तो कम से कम एल्बम का चुमावन नहीं दी 501 रुपया 501 रुपया तो कम से कम बिस्कुट तो खिलाती है। जब बेइज्जती है क्या बकवास कर रहे हो बे मतलब का अरे अच्छा चाय पियो ना हद कोची पी अच्छा ऑर्डर ना पूरा ब्लॉक कर दो जहां बैठते हो ना वहां इतना तड़बड़ घुटना निकाल देते हो। हमारे घुटना तो तुमको बड़ा दिखता है क्या हुआ ऐसे ही इसका बात सुनोगी तो पागल हो जाओगे। अरे देखिए मम्मी फ्री का चीज है ना हम देखिए आराम से। फ्री का क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो फ्री का तो फ्री का देख पैसों से लाए तुम समझ नहीं रही हो क्या ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है फ्री का मतलब फ्री का है इसमें सिर्फ इसके फैमिली का पैसा लगा है हम लोग का पैसा नहीं लगा है ना इस बात से इसको बहुत ज्यादा नहीं सच है इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है सच कड़वा होता है ये बात है यही है मम्मी थोड़ा पैसा लगा है आपका। हाँ मेरी घर वाला दिन से बोल रही थी इसीलिए ना नहीं ला रहा था एल्बम बस यही बात अब ना हमको समझ में पहले बोलता था मजाक में हमको लगता था लेकिन अंदर में इसके क्या चलता है अब पता चल रहा है ना हमको। मेरे अंदर जो है बाहर हुआ है मेरे अंदर जो है बाहर हुआ है। अरे देखो मिस्ड कॉल था विकास का। हेलो विकास रजुआ का रजुआ का शादी हो गया कुछ कुछ मिला रहे अच्छा तिलक कहिया है कल है चलेंगे कहीं चलेंगे 15 लाख रुपया नगद मिला है तो रात नहीं के आओ कार्बन ब्लैक लड़कियों है अरे लड़किया या कार्बन ब्लैक रहे चलेगा 15 लाख रुपया स्कॉर्पियो गोरे होके क्या उखाड़ लिए हम कटोरा लेके तो भीख मांगना पड़ रहा है देखो मेरा शादी में क्या हाल हुआ है साला ना कैश का पता ना नगद का पता फ्लैट दिया है कलकत्ता में यहाँ तो कोना में बैठने का आफत आ जाता है यार ससुराल में उसको तो फ्लैट लेके कर दे रुक तो विकास करते हैं फोन यार करते हैं तुम बुद्ध में क्या मसला क्या बोल रहे हो कि कटोरा देके हमको भीख तुमको बहुत तकलीफ है हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तब तो बोल क्या तुम रहे हो कम से कम ये तो जान लो कि तुम क्या बोल रहे हो तुमरे डर से मुंह सिल ले सुई बात से हां बोल क्या रहा है कुछ ही बोल रहा है सही तो बोल रहा है अरे उसको तिलक मिला था तुमको काहे जलन हो रहा है तिलक मिला उसको मिला है तो उसको तुम इतना क्यों उछल रहे हो उछल रहे हमको नहीं मिला है जिसको मिलता है तो लग जाता है किटकिटी हमको कटकटा के तो तुम क्या बोल रहे हो ये तो देखो बड़े का लिहाज तो करो कि हां कौन बैठी है कौन नहीं बैठी है मतलब जो आया मुंह में बोले जा रहे हो मम्मी बैठी है जो हमको तिलक नहीं दी मम्मी बैठी है जो हमको तिलक नहीं दी मम्मी बैठी तुमको क्या लव मैरिज में कहां ली एल्बम नहीं लाए इतना बात हो गया अब उसको तिलक दिया आप बोले थे कि नहीं लेंगे हम लोग भी सोचे लव मैरिज किए तो तिलक नहीं लेंगे अरे आप क्यों नहीं बोले उस टाइम शादी अरे मम्मी उस समय मुमा से थोड़ा सा लगा कि ना ना करते करते सही में सब ना कर देगा एल्बम के चलते अभी आप कितना बात हम तो लगा के बोलते ना ना रहने दीजिए लेकिन सब ना कर देगा हमको ही कहां पता था आई बम बोतल ली लड़की जी नहीं तुम झूठ बोले थे तुम कभी नहीं बोले तिलक के बाद तुम हमेशा यही ना बोला मम्मी कि हमको लड़की आपको उस समय बोले कि सबसे बड़ा तिलक तो हम दे रहे बेटी आप इसको पता नहीं क्या देना चाहिए तिलक है मम्मी ये फ्री में महंगा हो गई है 6 साल में महंगा हो गई है क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो मतलब का देखो ना ए इसको रखो जरा लेके जाओ ऐसा टेबल पे हम रखते भी नहीं है जा लेके जाओ मखमल कपड़ा बिछा के रखते रख दे हां तो लेके जाएंगे चुमावन 501 रुपया तब देखो तो आपको तिलक देते तभी लाते एल्बम तिलक बात लेने के लिए मम्मी हम अभी भी तैयार है अकाउंट मेरा नंबर बोलिए हम लेके चल जाते हैं क्या हुआ तो एल्बम यही रख लेंगे तिलक देंगे दे देंगे ले लीजिएगा हमको दे दिए हम दूसरा बनवा लेंगे इसको 6 साल के बाद तिलक का याद आ रहा है तो पैसा खराब लगता है 6 साल के बाद आया 60 साल यहाँ तो बुढ़ाता है रिटायर होता है तब पेंशन के पैसा के लिए ढनकते रहता है बुढ़वन सब कि पैसा मिले यहाँ तो हम जवान है जी 6 साल बाद क्या तुम क्या करोगे तुमको तिलक लेने के लिए 5 साल और इंतजार करेंगे हमारे कमैया तो खा रही है ऑफिस का खा रही है सब खाता है पति पत्नी सब एक जगह रहता है ठीक है लव मैरिज के मम्मी का कहना सही है लेकिन अपने में भी तो कुछ होना चाहिए कुछ हल्का फुल्का झटक दे दामाद को अंतिम आज हम सब मम्मी को जो देना था वो हमको दी 6 साल में सब संयम टूट गया तब मेरा मुंह खुला है और एक बार तुम सुन लो अगर एक नगद नहीं दिए बाकी और सब सारा चीज दिए
नहीं, इसको पता क्या नहीं दिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी आप बोल रहे हैं तिलक 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 जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा एल्बम लाए नहीं कि तिलक तिलक बोल रहे हैं। उस समय आप बोले नहीं कि हमको तिलक चाहिए, और तिलक के अलावा आपको तिलक नहीं दिए, बाकी सारा चीज दिए आपको, चैन अंगूठी जो जो चीज लड़का का लगता है, कपड़ा चार सेट पांच सेट जो भी है सारा चीज दिए। साथ के बेटी को आप दिए हैं एक भी जेवर? बेटी को मेरी बेटी को दिए हैं? पूछो ना काहे नहीं दिए मम्मी जब। सारा जेवर हम दिए। तुम क्या दिए थे? तो तिलक नहीं हुआ ये फंस गया सी है। क्या दिए थे तुम? इज्जत सम्मान उठा के घर से यहाँ से वहाँ रखे हैं। आपका सम्मान में कहीं कमी था? आप तो देखे थे। अरे मम्मी पैसवा थोड़ा हरा हरा नोट अच्छा लगता है, हरा हरा नोट अच्छा लगता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और दूसरी बात हम ही बोल रहे हैं, सगुन पे क्या भिजवाई थी? जोकी का दो जंगिया भिजवाई थी। वो जंगी वाले क्या करते? तुमसे बोले सगुन में लड़का काम मिला दो अंगूठी दो। कपड़ा था मान्यवर का कपड़ा था, गया तो तुमको झूठ मत बोलो। कौन रख लिया? कोई रख लिया क्या? तुम नौटंकी कर रहे हो। कुर्ता पजामा जो खरीदे देखो इधर मान्यवर का, वो कौन दिया था? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त लोग, मेरा घर वाला सब बोलता है तुमको कम से कम एक करोड़ रुपया कैश मिलना चाहिए था। आप गलत बोल रहे हैं। एक करोड़ इसको मिलना चाहिए था। आप गलत बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो कहे कि हाँ भाई इतना जरूरत है हमको, कुछ दे दीजिए तो दे देंगे। कितना बार मुंह खोल के बोले ही, बोलती नहीं है घर आके, जरूरत इतना पड़ा है भीख मांगने का नौबत आ गया। थोड़ा सा आप इतना बोल रहे हैं। हाँ हमको नहीं बोलना। कभी बताती नहीं हो कि तिलक के बारे में चर्चा होता है, हमको नहीं चाहिए। लड़ाई होने दो, होने दो, हम क्या बताएं? इतना टॉर्चर करते रहता, टॉर्चर तो करता ही है, लेकिन क्या बोलेंगे हम? ये बताओ ना, मांगे की जगह पे हमरे बदनाम कर ले। अभी तिलक का भूख अभी आपको लगा? मजा आया लालची, शक्ल से लालची दिखता है ये। हमने सोचे थे कि आप ऐसा लालची, लालची नंबर वन, आप ऐसा लालची नंबर वन। मम्मी बोल रही है आप, मम्मी को नहीं पता था कि हम ऐसा, हम क्या ऐसा मांग लिए, कोई नूर का हीरा मांग रहे हैं जी। हमको भी नहीं पता था कि ये इस टाइप का लड़का है, वो तो शादी करने के बाद ना पता चला कि इसका रंग जो है ना, हर दिन नया नया रंग हमको देखने को मिला है। क्या बोले? बोलते हैं पापा को बोलेंगे। क्यों बोलोगे पापा को? पागल हो गए क्या? बोलेंगे नहीं, अब तुमको दिन रात टॉर्चर करते रहेंगे वहाँ तिलक के लिए, बता हम लोग खुश रह पाएंगे यहाँ? जब मम्मी बोल रही है, मम्मी को लगा कि देना चाहिए अब दामाद को, तो तुम क्यों फिर काटा बन रही हो रास्ता का? अगर तुमको अगर तिलक लेना, साला पूरा दुनिया में रास्ता काटा यही है मेरा, सब जगह से हम छूट जाते हैं यहीं आके फंसते हैं। अब मम्मी जब मम्मी को लगा, अरे मम्मी को लगा कि जरूरत है, बल्कि 1-2 लाख मिले, जब देने में प्रॉब्लम है तो तुम काहे लगी अड़चन बन रही हो? एल्बम का देंगे, एल्बम में 2 लाख रुपया लगा है ना, एल्बम का देंगे 2 लाख रुपया। देखो हाँ 2 लाख का, 2 लाख का इनको लगता है कि 2 लाख का लगा है, ज्यादा सिखा रहा है। बता बोले हैं तिलक तिलक बोल रहे हैं, हम बात करते हैं, हम नहीं समझे थे कि ऐसा है, ऐसे बोलेंगे बाद में तुमको टॉर्चर करेंगे। हम अभी ना समझ रहे हैं कि इतना इतना बात हो रहा है, तो वहां भी होता होगा बात, तुम कभी बताती नहीं हो वहाँ कहीं कभी बात। पापा को दुख ना हो, मम्मी को दुख ना हो, अभी ना पता चल रहा है, अभी कितना बार बोले पैसा पैसा। और इतना जो मोटा मोटा हाथ है इसको क्या ऐसे चूड़ी पहनने के लिए रखे हो, कि काम करने के लिए रखे हो? तो तुम ही मोटा मोटा की हो, अपना मेहनत से खा के कमा रहे, नजर लगा रही है मेरा हाथ पापा की मोटा हो गया पतला हो गया, आपने गबस्ते रहती हो, सामने मोमो ले आना, जिलेबी ले आना, आए कहाँ से आता है? देख रहे हैं ना शादी के बाद कौन फूल रहा है, शादी के बाद कौन सुख रहा है? जाओ ना, जाओ ना। क्या जाओ? जब वो फोन कर रही है ना मम्मी, तो करने दो। आए लक्ष्मी को कोई ना नहीं बोलता है। तुमको क्या लग रहा है कि तुमको एक चवन्नी भी हम देने जा रहे हैं क्या? हमको ऐसी वैसी लड़की मत समझना, समझ में आया ना? घर का भेदी लंका ढाई साल, वहां लंका में विभीषण भेदी था, यहाँ ई विभीषण बन गई है, सब अड़चन यही लगा रही है जिंदगी में, वो देना चाह रही है तो इसको तुमको कच जा रहा है हमको नहीं। तिलक के हम सख्त खिलाफ है, और हम बोलते रहे कि जो इंसान अगर इस टाइप का होगा ना उससे हमको कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ तब तिलक आएगा तभी तुम जाओगी मेरे घर पे, तो हमको नहीं जाना। हमको तो आज पता चला कि तुम छुपाई हो इतना बड़ा बात, इसीलिए कहीं ना कहीं हमको डाउट था, इसीलिए हम है ना तुमसे छुपाए ये सारा बात। तुमको क्या सबसे बड़ा हम ही लालची लगते हैं? लालची लगने की क्या बात है, आया ना रूप
रूप आया ना तुम्हारा सामने? अगर ये पूरा घर नहीं दे सकता तो कम से कम ऊपर बनाने बोल दे, एक तल्ला हम बना के रहेंगे ऊपर में सुकून से। हमको कुछ नहीं बोलना है तुमसे, समझ में आया ना? माफ करो हमको। चीटिंग करता है तू। दे रहा है कोई तो इसको अथी हो रहा है, बुझा रहा है भार। तो बोल तो रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। तुम चलो ना घर, घर में तुमको बताते हैं। सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए, हम पापा को फोन लगा रहे हैं, ठीक है? तुम पागल हो, क्यों लगा रही हो पापा को फोन? लगाने दो ना। अरे जब जागो तब सवेरा। बात करने दो, तो इस तरह कत 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 करते रहेंगे ना। जब जागो तब सवेरा। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? सुनिए ना, जो है ना एक दो कट्ठा जमीन वहाँ का घर पर का, उसको बेच के कुछ पैसा लेते आइएगा, ठीक है? क्या जरूरत है? आए सोनू के मेहमान आए हैं, अब पूरा हल्ला मचा रहे हैं कि कह रहे हैं इसे लड़ रहे हैं। छोड़ो ना, तो इनके हल्ला मचाने से क्या हो जाएगा? अब तक सोनू तो से लड़ रहे हैं। रहने दो, कोई तिलक नहीं दिया, तिलक नहीं दी इसको, बहुत ज्यादा एकदम छोटा छोटा बात पर हो गया है। बेटी को सुखी देखना चाहते हैं, दीजिए पैसा लाके। कुछ है, एक रुपया? शर्म करो। हाँ तो आप आके बात कर लीजिएगा और बेच के अपना दीजिएगा। अच्छा। और क्या? वाह बहुत अच्छा, ठीक है रखिए। बोल दिए ना पापा आएंगे, पापा से बात कर लीजिएगा। बोले हैं पापा? हाँ। पापा से बात हुआ, बोले हैं कि ठीक है उनको तिलक चाहिए, हम देंगे तिलक उनके अकाउंट में, चल जाएगा पैसा। ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तुमको? नहीं आएगा, देखते हैं कैसे आता है, हम देखते हैं कैसे आता है। बागी निकाल कर रही हूँ जी, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? इससे लड़िए मत, इसको तकलीफ मत दीजिए, इसको खुश रखिए, अच्छे से रखिए। पैसा आपको अगर पैसे पर खुश रखिएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है? पैसा मिल जाएगा, ठीक है? पैसा पर मम्मी दुनिया खुश रहता है। नहीं आप अच्छा नहीं करते, ऐसे काहे बोल रहे हो? दहेज ले रहे हैं, दहेज ले रहे हो ना, डाउरी लेना, गिफ्ट का पैसा ले रहे हैं। गिफ्ट शादी में नहीं मिला था, हमको फंसाने की कोशिश मत करो, तुम फंसा रही हो दहेज के मामले में। फंसा रहे हैं, तुम ले तो वही रहे हो। प्यार से मम्मी दे रही है, प्यार से दे रही है मम्मी? नहीं दे रही है प्यार से, तुम टॉर्चर कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। दहेज बात कर ली है पापा से, शर्म आ रहा है तुमको? हाँ मम्मी चली गई, मम्मी को मायूस कर दिए तुम, हाँ रुला दिए मम्मी को। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों कुछ खोना पड़ता है? क्यों कुछ खोना पड़ता है? शर्म इंसान, 3 साल से तुमको बोल रहे थे नहीं हुआ, तब आप जाके हमको ये एक्शन लेना पड़ा। तुमको पैसा ही इतना प्यारा है ना, तो तुम हाथ तुम पैसा ही पकड़ना। हाँ तो तुम नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, हम नहीं जा रहे, बस नहीं जा रहे। और क्या शादी, ये तुम्हारा ही शादी है ना? अरे बाप रे बाप, अरे 5 केजी का हलवा में जी चोट लग जाएगा छाती में। शादी करके ना बोल रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया है मेरा, कहीं काम को नहीं छोड़े हो। आदमी के पास कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है। क्या हो गया तो इतना चिढ़ गए रही हो? क्यों नहीं चिढ़े हम? तो ठीक है ना यार, मेरे मेरे धोकड़ी में एको पैसा नहीं है, धोकड़ी में मेरे लाज लगता है। तो कमाओ, पैर हाथ है ना। हाँ, कमाओ तो सब पैर हाथ कमाई लेता है, बेरोजगार नहीं रहता है दुनिया में आदमी, अपने चाल से बेरोजगार रहता है सब। चाल से, चाल मेरा नहीं, ग्रहिया बदल गया तुम जब से घुसी हो। आ एको दे रहा है माए बाप, तो उसमें भी इसको लाज लग रहा है। जाओ यहाँ से, निकलो बस, निकलो यहाँ से अभी के अभी निकलो तुम। हाँ जा रहे हैं, पैसा भेज देना 2 दिन बाद। पागल कहेंगे गाइस, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ हैंडल हो गया, मम्मी लिटरली हल्का रो गई, बहुत बुरा लगा हमको प्रैंक के चक्कर में, और सोनू गई है मम्मी को मारने, हम भी चल रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे पता नहीं। चलिए तो क्या जरूरत है मम्मी पापा को फोन करने का? क्या हुआ जी? क्या आप क्यों आ रहे हो? हाँ? क्यों आ रहे हो बेवजह? अरे तो वैसे ही गलती हो गया, अब हमको दिल में और भी कुछ है, वो भी सुबह का भूला, शाम को घर लौटा उसको भूला नहीं गया, हमको अफसोस हो रहा है। पैसा मिल जाएगा ना, बोल दी। हमको गिल्ट फील हुआ, नहीं चाहिए पैसा। क्यों गिल्ट फील हो गया? बस हो गया, जब जागो तब सवेरा। मम्मी मजाक कर रहे थे, हाथ में मोबाइल है, थोड़ा सा प्रैंक कर लिए। प्रैंक हो गया आपके साथ? प्रैंक? हाँ, ये बहुत अच्छा है कि प्रैंक के नाम पे ना सारा भड़ास निकाल लो, बहुत अच्छा है। बोले ना जॉय, मम्मी को वीडियो में देखा है, बोला है कि सास पे दहेज प्रैंक कीजिए, तब हम कर रहे हैं। सास पे दहेज इस तरह करता है प्रैंक? बताओ ना कितना दहेज। मम्मी सॉरी सॉरी सोनू प्लीज प्लीज, तुम दूर रहो, बोले ना दूर रहो, जाओ देखिए गाइस, देखिए सोनल का गाइस ठेल के भगा दी,
हम मिलते हैं आपसे गाइस, माहौल बहुत खराब हो गया है, बाद में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।